संकल्प का मतलब होता है हमारी क्षमता का परिचय और भूमंडल का वर्णन, जो हम सभी सब मिलकर के आप सभी मानसिक संकल्प लेंगे, आप लोग बोलेंगे, है ना। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय जन कल्याण है मोदी जी के लिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर मोहनदास मोदी जी के लिए, दीर्घायु के लिए, सदायु। देखिए, विश्व के नेता और देश के वर्तमान प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का आज 72वां जन्मदिवस है। उसी उपलक्ष्य में पूरे देश में ऐसे हजारों जगह पर सेवा सप्ताह मनाने का कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी ने तय किया हुआ है। और यह सेवा सप्ताह आज 17 सितंबर से लेकर के 2 अक्टूबर तक यह निरंतर हर प्रतिदिन यह कार्यक्रम चलता रहेगा, जिस नाते आज 17 सितंबर को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिवस पर हम लोगों ने आज सवेरे से कई जगहों पे मेडिकल कैंप और बहुत जगहों पे अलग अलग प्रकार की सेवाएं की। उसी में से एक सेवा हमने आज ये रखी है कि आज आप देख रहे हैं यहाँ पर तमाम ब्राह्मण देवता बैठे हुए हैं। 21 ब्राह्मण लोगों के साथ में हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता महामृत्युंजय जाप का यहाँ मंत्र जाप करेंगे। हम भगवान जी के, शंकर जी के चरणों में हम ये प्रार्थना करेंगे कि हमारे प्रधानमंत्री जी को दीर्घायु दें और उनकी आयु से आयु लंबी हो, ताकि वो देश की सेवा अधिक से अधिक दिनों तक कर सकें। में हमारे मुंबई के प्रभारी आमदार विधायक अतुल भातखलकर जी, विधायक राजहन सिंह जी हैं, और साथ ही आचार्य प्रवन त्रिपाठी जी जो भारतीय जनता पार्टी के मुंबई के उपाध्यक्ष हैं, और तमाम यहाँ के जो हमारे स्थानीय नेता लोग हैं, कुछ पूर्व नगर सेवक हैं, कुछ मुंबई के पदाधिकारी हैं, वार्ड अध्यक्ष हैं, महिलाएँ हैं, महिला मोर्चा की अध्यक्षा हैं, ऐसे तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित रहने वाले हैं। के बारे में मैं इतना ही बोलती हूँ, जो बोलना था शर्मा जी तो बोल दिए हैं, लेकिन 2 साल के जो महामारी में हमारे प्रधानमंत्री ने इतना बड़ा मुहिम उठाया कि जो मुमकिन को नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाया है, जो पूरी दुनिया के लिए करते हैं, तो क्या हम लोग उनके दीर्घ आयु के लिए, लंबी उम्र के लिए ये महामृत्युंजय जाप नहीं कर सकते? आज उन्हीं के जन्मदिन पर हम लोग उनकी लंबी आयु के लिए ये महामृत्युंजय का जाप हम लोग यहाँ हनुमान जी के मंदिर में कर रहे हैं, और शंकर जी से, भगवान शंकर जी से, जो बोलते हैं ना कि जो जान गया हो उसमें भी जान डाल दे, ऐसे शंकर जी से मैं प्रार्थना करती हूँ कि ऐसे प्रधानमंत्री भविष्य में न, बोलते ना न पहले थे न आगे आने का नहीं है, जो वर्तमान में वही हमको प्रधानमंत्री चाहिए। मैं यही भगवान से प्रार्थना करती हूँ। आज मोदी जी का 72वां वर्धापन दिवस है, उनके दीर्घायु की कामना के लिए हम सभी विप्र देवता ब्राह्मणगण महामृत्युंजय का जप कर रहे हैं, उनकी सतायु के लिए, दीर्घायु के लिए कामना करते हैं, कैसे ही देश की सेवा करते रहें। और आज बहुत खुशी का माहौल है, संपूर्ण भारतवर्ष में ऐसे रत्न को प्राप्त किया, आज जो देश की सेवा कर रहे हैं, और बहुत खुशी है कि हम सभी ब्राह्मण देवता सब उनके लिए दीर्घायु के लिए हम लोग महामृत्युंजय का जप कर रहे हैं, और ऐसे ही देश की सेवा करते रहें और सहस्रायु हों, शतायु हों, और भगवान से, हनुमान जी महाराज से उनके लिए हम सभी ब्राह्मण देवता याचना वंदन कर रहे हैं कि खूब खूब भगवान उनको बुद्धि, बल, विवेक, ज्ञान प्रदान करें, और ऐसे ही देश की सेवा में नित्य निरंतर हमेशा आगे बढ़ते रहें। तो श्री राजा रामचंद्र जी महाराज की जय। हम तो यही कहेंगे कि हमारे इस भारत देश, अखंड देश, राष्ट्र देश में के मोदी जी इसी प्रकार सेवा करते रहें, सत्यायु को प्राप्त हों, और हमारे देश का निरंतर हिंदुत्व को लेकर के चलें, किसी भी जाति पाति को भी लेकर के ना चलें, हम हिंदू हैं इसको ही लेकर के चलें। और हम यही समझते हैं हमारे ब्राह्मण जन, क्योंकि ब्राह्मण जो है
ब्राह्मणों से मुख मासिद बाहु राजन्य कृतः गुरु यहाँ। तो ब्राह्मणों को जो है यही चाहिए कि ब्राह्मण को जो हिंदुत्व होना चाहिए, जाति पाति को लेकर के ये नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि बहुत ही आज 72 वर्ष के हमारे नरेंद्र मोदी जी हुए हैं और बहुत बहुत उनको दीर्घ आयु की हम आशीर्वाद देते हैं। और भगवान श्री राजा रामचंद्र जी उनको सत्य आयु की आशीर्वाद प्रदान करें। और हमारे सभी विप्र जनों की तरफ से मैं मोदी जी को बहुत बहुत आशीर्वाद और भाजपा को बहुत बहुत आशीर्वाद, अपने ज्ञानमूर्ति शर्मा जी को भी बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ, जो आज हम सब विप्र जनों को 21 ब्राह्मण जो है बैठ करके महामृत्युंजय जाप का यहाँ पे प्रोग्राम रखा गया है। दीर्घ आयु के लिए जय श्री राम। आदरणीय मोदी जी का आज जन्मदिन है और इस जन्मदिन में पूरे देश की भारतीय जनता पार्टी एक स्वास्थ्य शिविर का कार्यक्रम पूरे देश में रखा गया है। महाराष्ट्र प्रदेश में भी पूरे विधानसभा क्षेत्रों में चल रहा है, मुंबई में 227 वार्डों में स्वास्थ्य शिविर का कार्यक्रम हुआ और हमारे मुंबई के मंत्री आदरणीय ज्ञानमूर्ति शर्मा जी ने एक कार्यक्रम ऐसा रखवाया। वो कार्यक्रम इसलिए कि हम सब 140 करोड़ जनता की सेवा कर रहे हैं, लेकिन जो प्रधान सेवक हमारा है उसका स्वास्थ्य भी बढ़िया रहे, वो भी इस देश की निरंतर सेवा करते आ रहे हैं। आज 20 साल से मुख्यमंत्री रहे, प्रधानमंत्री रहे, 8 साल ये गया, 15 साल वहाँ मुख्यमंत्री रहे, तो निरंतर सेवा करते जा रहे हैं और आगे भी दिनों में वो इस देश की इसी प्रकार से सेवा करते रहे इसी ऊर्जा के साथ। इसलिए आदरणीय ज्ञानमूर्ति जी ने इस प्रकार का जाप करवाया है, जो जाप तमाम ब्राह्मण सब कर रहे हैं। और हम सबकी इच्छा है कि आदरणीय मोदी जी को हम लोगों की भी उम्र लग जाए और ऊर्जावान बने और देश की इसी प्रकार से सेवा करते रहे। देखिए, इस स्थान पे फिलहाल 21 ब्राह्मण ये महामृत्युंजय जाप का आयोजन में बैठे हुए हैं और उसके साथ साथ में हमारे करीब 100 के आसपास के कार्यकर्ता भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित हैं। लगभग ये 1.25 लाख मंत्र जाप होने वाला है, क्योंकि एक मिनट में 10 मंत्र जाप करेंगे, उस तरीके से 1 घंटे में 600 मंत्र होगा और औसतन एक व्यक्ति का 1500 मंत्र जाप होगा। तो लगभग हम 100 के आसपास हम सभी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, तो सबका यदि हम गणितज्ञ कैलकुलेशन करेंगे तो शायद ये 1.25 लाख के ऊपर ये मंत्र जाप होने वाला है। देखिए, संदेश यही देना चाहेंगे, जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि महामृत्युंजय जाप जो होता है वो किसी की दीर्घायु के लिए होता है, किसी के स्वास्थ्य निरोगी रहे इसलिए होता है। और इसीलिए आज हम सभी लोग, हमारे भाई विधायक माननीय राजन सिंह जी के नेतृत्व में हम लोगों ने यहाँ पर कार्यक्रम इस प्रकार का आयोजन किया है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जो विश्व के गुरु हैं, जिन्होंने हमारे भारत देश को विश्व गुरु बनाने का संकल्प लिया हुआ है, उसे पूर्ण करने हेतु आज हम भगवान महामृत्युंजय जी के चरणों में यह प्रार्थना कर रहे हैं कि उन्हें दीर्घायु मिले और वो निरोगी रहे ताकि देश की सेवा में अधिक से अधिक समय दे सकें। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें।